वेलकम बैक गाइस। अभी जस्ट घर पहुंचा हूं, मैं क्लास ख़त्म करके आ चुका हूं और अभी क्या बज चुके हैं 2:15 और मैं अभी जिम के लिए भी रेडी हो चुका हूं, बैग भी यहीं है, सब कुछ रेडी है। सो लेट्स गो नाउ टू द जिम। कैमरे को पैक करके रखना पड़ेगा अच्छे से ये अपने जिम बैग में, क्योंकि मैं कार लेकर नहीं जा रहा हूं और बाइक में जा रहा हूं, तो कैमरे को ठीक से रखना पड़ेगा, निकालने कोल के सब कुछ। सो काफ़ी टायर्ड लग रहा है, पर कोई नहीं, आप फैन करेंगे चेस्ट और शोल्डर। सो लेट्स फोकस ऑन दैट एंड लेट्स हेड टू जिम। सो मैं अभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हूँ, क्योंकि अभी के बजे हैं 7:50 और मैं अभी जस्ट वॉशरूम होकर रेडी हुआ हूँ। मैं एक्चुअली वॉशरूम में बैठा था, बाथरूम में बैठा था कि मुझे एक अच्छा सा डील मिल गया, लाइटनिंग डील। मैं जस्ट सर्व कर रहा था ऐसे, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, कौन सा आइटम खरीदूँगा कौन सा नहीं, उसी में ही मुझे अच्छा सा एक डील मिल गया जिसमें कि 30,000 का ऑफ मिला मुझे। मतलब मैं अपने लक को समझ नहीं पाया क्या करूँगा। मतलब वो उस चीज़ के लिए मैंने कब से एक्चुअली इंतज़ार किया था कि खरीदूँगा, थोड़ा पैसा बचाऊँगा तो अच्छे से खरीदूँगा, पर उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई था, विच वॉज आउट ऑफ माई बजट। पर अभी उसमें डिस्काउंट मिला मुझे, तो मैं बाथरूम में ही चंपा को फ़ोन किया और ऑर्डर कर लिया। मतलब मैं अपना एक्साइटमेंट नहीं बता मतलब रख पा रहा हूँ, इतना खुश लग रहा है मुझे। हालाँकि मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड लग रहा है, क्योंकि और क्या, लो कैलोरी, उसके साथ इतना हार्ड वर्क, डाइट वगैरह सब कुछ, और स्लीप थोड़ा कम, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टायर्ड। ऊपर एक्साइटमेंट लेवल ऑन पूरा टॉप लेवल में है। अच्छा, 2 या 3 दिन में डिलीवरी हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को पता चलेगा क्या है क्या वो प्रोडक्ट, क्या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। 3 days later. जस्ट घर पहुंचा और सुपर एक्साइटेड हूं, क्योंकि मेरा पार्सल आ चुका है। ये अब इसको खोलेंगे थोड़ी देर में। अभी जस्ट एक्चुअली जिम से घर पहुंचा हूं, काफ़ी टायर्ड है, दिन भर इतने सारे पेशेंट थे कि मत पूछो, रियली टायर्ड हूं आज मैं, तो थोड़ा फ्रेश होता हूं। लेट्स होप इन इट अप आफ्टर दैट, स्टे ट्यून, लेट्स गो।
ओके सो दैट वाज इट. वो मेरा नया कैमरा DJI Action Go 2. तो एक्चुअली मैं ये ख़रीदने का कुछ अलग ही रीज़न है. एक्चुअली मैं इसको अलग एक वीडियो में इसके बारे में और ज़्यादा बोलूँगा. इसको ओपन करूँगा, फिर इसको इंस्टॉल करूँगा वगैरह वगैरह. बहुत कुछ काम है, इसको पहले अपडेट करना पड़ेगा. सो इसको पहले रख लेते हैं अच्छे से. और आई वॉन्टेड टू से वन थिंग कि मैं ये क्यों, मतलब DJI को अपने GoPro से क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि GoPro में मुझे काफ़ी इशूज़ होने लगा था. मेरा ये जो लास्ट GoPro 9 था, ये मेरा थर्ड GoPro होगा इन ऑल टोटल. फर्स्ट वॉज GoPro Hero 4 और 5, उसके बाद 6, उसके बाद अभी 9. सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी. मैं बहुत सालों से GoPro यूज़ कर रहा हूँ. आप लोग मेरे पहले वीडियोस में भी देखे होंगे कि मैं GoPro यूज़ करता था, एंड दैट वाज मतलब अच्छा था. पर अभी इश्यूज़ क्या होता था ना, एक साल जाता था हर GoPro जो भी मैंने यूज़ किया, एक साल जाता था. एक साल के बाद वो उसमें कुछ इश्यूज़ आना शुरू हो जाता था, व्हिच आई डिडेंट लाइक. ये भी जो GoPro 9 था ना, आपको याद होगा लास्ट टाइम इसी टाइम से ही मैंने अपना मोटो व्लॉगिंग शुरू किया था इस GoPro में, पहला मोटो व्लॉगिंग मेरा. और फिर इन द एंड अभी एक साल होने वाला है और अगेन GoPro एज यूजुअल सेम अपना प्रॉब्लम दिखाने लगा है. आई थॉट ऑफ एनी अल्टरनेटिव, कुछ अल्टरनेटिव चाहिए था मुझे. सो इसीलिए आई बॉट दिस, मैंने ये ख़रीदा DJI Action 2. तो इसके बारे में अच्छे से मैं रिव्यू दूंगा. अरे कैसा लगाते, मैं भूल जाता हूँ इसको. हाँ ऐसा है, काफ़ी जोर का फिक्स हो जाता है ये. मतलब ये मैग्नेट है, मॉड्यूल टाइप का है. एक सेकेंड, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ. दिस इज़ द कैमरा थिंग, दिस इज़ द स्क्रीन थिंग. स्क्रीन कम बैटरी और ये कैमरा. सो इसको मिला देने से दिस इज़ द होल थिंग. सो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है. मुझे लग रहा था काफ़ी वीक मैग्नेट होगा. और बिल्ड क्वालिटी इज़ परफेक्ट, मतलब बहुत अच्छा है बिल्ड क्वालिटी. जैसे एप्पल प्रोडक्ट में जैसा बिल्ड क्वालिटी होता है ना, वैसा ही बिल्ड क्वालिटी है. तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी, अगले वीडियो में बोलूँगा. पर दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट मैंने क्यों GoPro डिच किया. क्योंकि मेरे GoPro में फिर से इशू होने लगा था. आप लोगों मेरे कुछ वीडियोस पहले देख रहे होंगे कि मैं मोटो व्लॉगर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे वो जो सी पोर्ट है उसमें कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है. क्योंकि कभी कभार चलता है माइक अडेप्टर लगाने से या फिर मीडिया मोड लगाने से, और कभी कभार नहीं चलता है. मुझे इतना फ्रस्ट्रेट लगता था ना, मत पूछो, मतलब बहुत इरिटेट लगता था. मैं क्या करूँ वो समझ नहीं पा रहा था. और आई ट्राइड रीचिंग आउट, मतलब कोई लोकल मैकेनिक तो कर नहीं पाता, यहाँ पर भुवनेश्वर में तो नहीं है, और बाहर भेजना पड़ेगा, और भेज के करने में काफ़ी दिक्कत होता है. तो इसीलिए मेरे पास 3 GoPro अभी भी गिरे हुए हैं. GoPro Hero 4, फिर आया 6, फिर अभी जो रिसेंट वाला है 9. इसीलिए आई टर्न टू समथिंग एल्स. इंस्टा 360, वो मेरा 360 कैमरे के लिए है जो कि मैं ट्रिप में यूज़ करूँगा. एंड दिस इसको मैंने नॉर्मली अपने व्लॉगिंग वगैरह के लिए यूज़ करने के लिए ही मंगवाया है. और उसके साथ इसका एक फ़ायदा भी है, इसमें ना अडेप्टर नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो इसके सी टाइप में. आप यहाँ पर अच्छे से सी टाइप में कनेक्ट कर सकते हो और मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो. इसीलिए वन ऑफ द मेजर थिंग मैंने ये ख़रीदा, क्योंकि GoPro में अडेप्टर चाहिए होता है. अडेप्टर ही 3-4 थाउजेंड रुपीज़ का गिर जाता है, 4 थाउजेंड अप्रोक्स. और मीडिया मोड खरीदो तो 8-9 थाउजेंड मिनिमम. तो इसीलिए आई ऑप्टेड फॉर दिस. इसीलिए बाय बाय GoPro फॉर नाउ, लेट्स फोकस ऑन दिस. और मुझे पता है काफ़ी अच्छा होगा. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और अगले वीडियो में इसके बारे में और कुछ बोलूँगा. इसको अभी इंस्टॉल करता हूँ और अपडेट करता हूँ. लेट्स सी आफ्टर दैट. Bye.